कांग्रेस पार्टी ने पीने का पानी और जो बल्क कार्ड होल्डर से उन सब स्क्रीनिंग की, उसके साथ साथ जो ज़ईफ़ लोग हैं और मज़ूर लोग हैं उनको ट्रेन में, आरटीसी बस में और मेट्रो रेल में उनका जो पास होगा उसके पैसे भी जेएचएफ से लेंगे, उनके जेब से नहीं, वो भी फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। उसके साथ साथ मेट्रो जो रुका हुआ था पुराने शहर में लाने के लिए, जीएमसी अपना जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से उसको हम फिर दोबारा जो इमलीबंद से लेकर फलकनुमा, फलकनुमा से एयरपोर्ट को फिर से दोबारा वो लाइन चालू करने के लिए ये हमारा वादा है कि हम दोबारा उस ट्रेन को वापस लेके आएंगे। मेन मेन हमारे मुद्दे हैं, बाकी आप उनका क्लियर है। ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शंस के लिए हम इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। अगर जीतने के बाद क्या करेंगे, हमने अपना मैनिफेस्टो भेज दिया। मेनली हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है हैदराबाद में, ऐसा जो बहुत ही डिफिकल्ट इश्यू हो गया है, उसको हम सॉल्व करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और एक्सटेंड करेंगे और आरटीसी में, एलएनटी मेट्रो रेल में और तीसरी चीज़ क्या है, एमएमटीएस में हम पूरी ट्रैवल फ्री कर देंगे। कुछ कैटेगरी वो हमने बताया है और इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, हर विषय में हम जीएचएमसी के अंदर एक जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिविक फैसिलिटीज देने वाले हैं और करप्शन फ्री